कांग्रेसी एरोगेंट हो गई है, जीत को जब से कर्नाटक में देखा है, दिल्ली के लिए अब तक पास इनके दिखता नहीं कोई नेता है। मैंने देखे हैं बीजेपी में है एक से एक, अब मजा आ जाए अगर मैंने इस रैप को अच्छी तरह से निभा लिया। मैंने देखे हैं बीजेपी में है एक से एक, सबकी झांकी अलग, सबका जलवा अलग, मोदी योगी शाह नितिन सब गजब सब गजब, मोदी योगी शाह नितिन सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब। अब रैप शुरू होता है। कांग्रेसी पॉलिटिक्स, वोट बैंक करना फिक्स, संसद में हंगामा करना, बोली में है गाली मिक्स। अब यहां से उठाना। मोदी जी की टॉक गजब, दुनिया में है धाक गजब, उनका लेन देन ट्रेन ब्रेन प्लेन गेम सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब। वैक्सीन सुनना गजब क्या है, वैक्सीन डाउन चीन घाटी ग्रीन दहशत क्लीन। वैक्सीन डाउन चीन, वैक्सीन डाउन चीन घाटी ग्रीन दहशत क्लीन, मोदी जैसा पीएम टॉप आई हैव नेवर एवर सीन, मोदी जैसा पीएम टॉप आई हैव नेवर एवर सीन। गेम चेंजर विनिंग मैप, गेम चेंजर विनिंग मैप, सूझबूझ सब गजब, इनका ट्रिप शिप ग्रिप क्लिप विप डिप सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब। सुनना, अपोजिशन अपनी अपोजिशन अपनी जुगाड़ में बिजी, कोई बेल में कोई तिहाड़ में बिजी, सेटिंग भिड़ाने का चुनावी दौर है, इनसे अलग मोदी जी की बात और है, इनके दिल में है कुर्सी उनके दिल में है देश, इनके दिल में है कुर्सी उनके दिल में है देश, इनके दूध में है पानी उनकी चाय कड़क। अब आ रहा है, इनके दिल में है कुर्सी उनके दिल में है देश, इनके दूध में है पानी उनकी चाय कड़क, उनका ड्रीम थीम क्रीम टीम स्कीम भीम सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब। बड़े परेशान है साहिब आजकल, बड़े परेशान साहिब पता ना कौन है, मोदी जी है ना, बड़े परेशान है साहिब आजकल, डरे डरे से लग रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की मायूसी अभी तक गई नहीं थी कि आने वाली यात्रा की आहट से घबरा गए हैं, कि आने वाली यात्रा की आहट से घबरा गए हैं। आपने लीडर्स की बात की थी ना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी और खड़गे जी की जुगलबंदी का तोड़ ढूंढने में समय बिता रहे हैं, लेकिन कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। बड़े परेशान है साहिब आजकल, बड़े परेशान है साहिब आजकल। मुझे जी लिखा हुआ पढ़ा जाता है ना तो दिल से आवाज नहीं आती है। लिखा तो मैंने ही है। ना लिखा मैंने है, मेरे लिखे हुए शब्द हैं, मैंने कहीं और से नहीं लिखवाया है, गलत बात। इतने इतने भावनात्मक शब्दों के साथ भावना की अभिव्यक्ति जरा कमजोर है, वो गद्य और पद मिक्स कर देते हैं। आज चौहान साहब का जो रूप नया दिखने को मिला है वो शायद नई संभावनाओं की ओर कुछ कुछ इशारे कर रहा है। जो अनिसिंह पहली बार अंधभक्त लग रहे हैं आपको ये? एक तो सर आपकी नजर पहली बार पड़ी है। ये जो नया रूप है उसके पीछे एक नया जोश है, एक नया उत्साह है, और कारण है कि जो कुछ हुआ था इतने साल में उसके परिणाम आजकल देखने को मिल रहे हैं। अभी राहुल जी अमेरिका गए, एक वीडियो आई, वहाँ भी ट्रक ड्राइवरों से उन्होंने बातचीत की, उसकी बड़ी अच्छी एक वीडियो आई है, और तब मैं कविता पढ़ता हूँ, उस सीन को ध्यान में रखना और सुनना। कोई क्या खोएगा क्या पाएगा, सब छिपा होता है उसके लक में ही, आदमी भले अमरीका चला जाए लेकिन घूमेगा ट्रक में ही।
वैसे राहुल जी का आइडिया तो जबरदस्त है, ऐसा विचार आखिर कहां से जगता है? ट्रक में एडवेंचर ट्रेवल तो होता ही है और भाड़ा भी नहीं लगता है। हाँ, और एक बारीक पंक्ति दे रहा हूं, पकड़ लेना तो उठाना। 24 की तैयारी का समय यहां वहां गठजोड़ करने में निकल रहा है, यानी कांग्रेस हो या राहुल जी, दोनों का काम लिफ्ट मांग मांग के चल रहा है। और इससे गजब लाइन तो ये है, क्षेत्रीय दल खुद में मगन है, गठबंधन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, राहुल जी को तो फिर भी ट्रक वाले बिठा लेते हैं, कांग्रेस को तो कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। 24 के लिए सारे दल स्टेयरिंग पर बैठने की तैयारी करेंगे, लेकिन अब तक क्लियर ये नहीं है कि कांग्रेस उनके ट्रक में बैठेगी या वो कांग्रेस के ट्रक की सवारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देखिए आप चिंता नहीं कीजिए, हम एक दूसरे के ट्रक में बैठ जाएंगे। अब जो दिक्कत आएगी वो बीजेपी को आने वाली है, उनके पास तो ट्रक ही नहीं बचा है मोदी जी। वो ट्रक ही नहीं है, बस बुलडोजर लेके घूमते रहेंगे। अभी मोदी जी ने बताया कि हम जीतते हैं, वो तो फिर क्यों जीत रहे हो सर, जब ही नहीं बनानी है तो। मैं एक लगता हूँ सर, विपक्ष का क्या चला, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं राजनीति में कि विपक्ष जोड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? मोदी जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो इन दिनों राहुल जी बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या डायलॉग है, सुनेगा, विपक्ष में क्या स्थिति है, कि जरा जरा सी बात पे झगड़ने लगे विपक्षी, जरा जरा सी बात पे झगड़ने लगे विपक्षी, ऐसे लड़ रहे जैसे लड़े बहू और सास। बजाओ जरा ढंग से। ऐसे लड़े जैसे लड़े बहू और सास। अब यूपी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष भिड़ गए सर कांग्रेस के, फिर अब यूपी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष भिड़ गए, कांग्रेसी ही ना चाह रहा है पार्टी का विकास। कांग्रेसी ही ना चाह रहे पार्टी का विकास। 36 नेता तैयार है पीएम बनने को, 36 नेता तैयार है पीएम बनने को, आपको तो कोई डाल ही ना रहा खास। आपको तो कोई डाल ही ना रहा खास। कांग्रेस के झगड़े देख बोलते होंगे राहुल, कांग्रेस के झगड़े देख बोलते होंगे राहुल, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अभी सर यूपी चलते हैं, यूपी में भी अखिलेश जी ने एक नारा दिया सर, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। ये नारा तब दिया जब पिछले सारे नारे फेल हो गए थे। मैं सारे नारे गिनवाता हूँ उनके एक एक बार करके, और क्या होगा मैं बताता हूँ। और अब एक डायलॉग हो रहा है, वो अभी मोदी जी बोल रहे हैं, क्या होगा सुनेगा। कि पहले भी दिया नारा काम बोलता है पर, हाँ पहले भी दिया नारा काम बोलता है पर, वो काम बोला नहीं हरा दिया तुम्हारे को, वो काम बोला ही नहीं हरा दिया तुम्हारे को। फिर स्लोगन था यूपी को ये साथ पसंद है, हाँ, वो याद है साथ बनाता है राहुल जी का अखिलेश का। फिर स्लोगन था यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी बोला वो साथ पसंद नहीं हमारे को, यूपी बोला वो साथ पसंद नहीं हमारे को। अब फिर से सपा निकली जीत की खोज में, अब फिर से सपा निकली है जीत की खोज में, लेकर आ गई मार्केट में नए नारे को, लेकर आ गई मार्केट में नए नारे को। 80 हराओ बीजेपी हटाओ सुन बोले मोदी जी, 80 हराओ बीजेपी हटाओ सुन बोले मोदी जी। बोलने दे तकलीफ हुआ बेचारे को। देखिए
आप झगड़े की बात कर रहे थे, देखिए आप झगड़े की बात कर रहे थे, राजस्थान में जो बीजेपी में सिर्फ टब्बल हो रही है वो देखने लायक है। आप राजस्थान में तो आपकी भी, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के टॉप 3-4 लीडर हैं उन सब में लड़ाई पूरे जोर शोर से हो रही है। वो आप सबने वो सुना था ना, एक गाना था, आग लगी अपनी झुपड़िया में हम गाई है मल्हार। राजस्थान में पायलट और अशोक जी बहुत प्रेम से आजकल उनके संबंध चल रहे हैं, एक दूसरे भ्रष्टाचार के बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे आरोप लगा रहे हैं, बहुत बहुत प्रिय। चाहे सिंहदेव जी का और बघेल जी का छत्तीसगढ़ में हो, सारी जगह बहुत बहुत आत्मीयता से चल रहा है, इसलिए जो है इनको शायद हमारे झगड़ों की याद आ रही है। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि अपना घर संभालो, हम अपने घर की चिंता करेंगे। मैंने तो इनके घर के बारे में बात नहीं करी ना जी। अरे अपना संभाल लो ना, हम अपना घर संभालेंगे, हमारी चिंता ना करो। हमारे का जहाँ जनता का साथ हमारे साथ होगा, वहाँ पे आपके झगड़े का कहने का या आपके अस्तित्व का भी जो है आज प्रश्न चिन्ह जहाँ लगाओ, उससे क्या हमें करना है। आप अपनी कहानी दीजिए, हम अपना राग गाएंगे जी।